नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की टूल से, जहां चाइना के टिकटॉक ऐप से भी बेहतर ऐप साहेपुर गांव के 12वीं के छात्रों ने बना दिया। मानना है कि उसका स्वदेशी वी शॉर्ट ऐप कर देगा चाइना ऐप की छुट्टी। चीन के ऐप टिकटॉक के बंद होने के बाद लाखों टिकटॉक प्रेमी निराश थे। उनके लिए सोशल मीडिया पर टिकटॉक से बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं था। लॉकडाउन के दौरान यह चाइनीज ऐप बैन हो जाने के बाद इसका विकल्प तलाश करने के लिए प्रयास शुरू हो गए। इन विकल्पों की तलाश में बैतूल जैसे आदिवासी जिले के शाहपुर कस्बे में टिकटॉक से भी बेहतर ऐप ईजाद किया है। इस ऐप को 12वीं के छात्र ने अपने कजिन ब्रदर की मदद से बनाया है। इसको पब्लिक के लिए दशहरे पर लॉन्च किया जाएगा। यह गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। इसे डेवलप करने वाले वेदांश जैन और हरदा निवासी उनके बुआ के बेटे अनुराग पंचोली ने इस ऐप का नाम वी शॉर्ट रखा है। उनके मुताबिक इसे ऑपरेट करना टिकटॉक से भी आसान है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ईमेल के माध्यम से आप इस ऐप पर जा सकते हैं। इस ऐप का यूज़ करने वालों की प्रोफाइल होना ज़रूरी है। वेदांश जैन ने बताया कि इसमें कई नए फीचर भी हैं जो टिकटॉक में नहीं हैं। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें जो भी आय होगी वह देश में ही रहेगी, वहीं यूज़र भी इसे कमाई कर सकते हैं। अनुराग के मुताबिक यूट्यूब पर मुस्कान एक एहसास नामक ऐप बना चुके हैं जिसके करीब 5 लाख फॉलोअर हैं, जहां वेदांश कक्षा 12वीं का छात्र है और पूरा आइडिया और क्रिएशन उसका है। वहीं अनुराग ने अपने IT अनुभव से उसे मार्गदर्शन दिया है। इस ऐप को बनाने में करीब 5 लाख रुपए खर्च। हमने अभी काफ़ी टाइम इस न्यूज़ में देखा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप को बैन किया है, जो कि इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो एक्चुअली वेदांश को एक आइडिया आया, मेरे छोटे भाई को, कि एक हमको एक एप्लीकेशन ऐसा एक डेवलप करना चाहिए जिसपे हमारे इंडिया के लोग उस पर अपना टैलेंट शो कर सकें। और आपने देखा होगा कि टिकटॉक एक एप्लीकेशन था जो कि बैन हो गया है, उस पर जो भी रेवेन्यू होता था वो चाइना को जाता था बहुत सारे। और हम लोग एक हमने ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया इस पर यूज़र्स खुद अपने वीडियोस जाके उस पर ट्रेंडिंग वीडियोस उस पर अगर जाते हैं या वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, जितना ज़्यादा वो पॉपुलर होगा उतना वो अर्न कर सकता है। तो जो भी इनकम होगी वो इंडिया में ही रहेगी, हमारे इंडिया के ही क्रिएटर्स को, हमारे इंडिया के ही यूज़र्स को वो मिलेगी। तो हमने इस तरीके से ऐप को डिज़ाइन किया है और काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स और कुछ एडवांस फीचर्स जो कि पुराने जो भी ऐप चल रहे हैं और जो कि ऐप बैन हो चुके हैं उनसे कई ज़्यादा अच्छे फीचर्स हमने वी शॉर्ट्स ऐप में हमने डाले हैं। कुछ पुराने प्लेटफॉर्म पे या टिकटॉक के जो फेमस लोग हैं और जो कि ऑलरेडी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो फेमस क्रिएटर्स हैं वो लोग भी अपने वीडियोस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारे लोगों ने कोलैबोरेशन किया है हम लोगों के साथ और वो लोग अपना कंटेंट डाल रहे हैं। और हम लोग छोटे यूजर्स से भी चाहते हैं या जिनके पास भी हिडन टैलेंट है वो भी अपने क्रिएटिव्स जो हैं उस पर अपलोड कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। हमारे ऐप का नाम वी शॉर्ट्स है। इसमें कई सारी खासियत है, मतलब जितने भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आए हैं अभी उन सब के जैसे फीचर्स तो है ही, पर हमारे इसमें कई यूनिक फीचर्स भी हैं, जैसे मोनिटाइजेशन फीचर, शॉर्ट वीडियो प्लस ऑडियो अपलोडिंग फीचर्स, कैटेगरी सिलेक्शन फीचर। तो कैटेगरी फीचर से हम अपनी मूड के हिसाब से कैटेगरी चुन सकते हैं और उसके हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। जो भी कैटेगरी का देखने का हमारा मन है हम वो कैटेगरी देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो फीचर प्लस ऑडियो फीचर। शॉर्ट वीडियो में हम अपने 5 सेकंड से लेके 1 मिनट तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपनी जो भी हमने क्रिएट की है। और शॉर्ट ऑडियो में हम लोग ने ये रखा है कि किसी को कैमरा फियर रहता है, अपनी क्रिएटिविटी शो करना है पर अपना फेस शो नहीं करना है, तो वो इसमें लॉग इन करने का बहुत सिंपल सा UI है। जैसे ऐप खोल अपन ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो लॉग इन करने का पूछता है और बाकी की डिटेल्स पूछता है। इसमें हमने लॉग इन के लिए सब जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म है लॉग इन करने के लिए सब दिए, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड गूगल। बाकी अपन अपने ऐप के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं अलग से ID बना के। इससे कितनी उम्मीद है आपको? हो चुके हैं। बैतूल से प्रदीप डगर से की रिपोर्ट।